वेलकम टू शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। नीट का रिजल्ट आ चुका है। शाहीन में नीट के रिजल्ट के सेलिब्रेशन का प्रोसेस चलता जा रहा है। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिवली वीकर फैमिली बैकग्राउंड से हैं, जो कि गरीब फैमिली से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जोरदार रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और डॉक्टर बन के अपना करियर चेंज करते हैं, अपने गांव का, अपने फैमिली को, सबको जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं। हम लोग वेलकम करते हैं आकाश को। आकाश, एक बार ज़रा अपने बारे में हम लोगों को बताओ, कहाँ से आप हो? तो सर, मैं अलीपुर थांडा गांव से हूँ। तो अलीपुर थांडा छोटा सा गांव है सर। तो हमारे गांव में आज तक नीट में कोई नहीं गया सर। तो पहला MBBS सीट है और मेरे पिता खेती करते हैं सर। अच्छा, तो कैसे गांव में रहते हुए, एक फार्मर फैमिली से होते हुए, ये डॉक्टर बनने का ख्वाब कहाँ से आ गया? तो सर, हमारे सीनियर ने बताए थे, तो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम एडमिशन किए तो हमारा नीट का सिलेक्शन इजी हो जाएगा। तो मैं जब 9th में था तभी से सोच लिया था कि शाहीन में करने का है सर। लेकिन 10th तक आपने पढ़ाई गांव तक ही की, गांव से की है? तो 10th तक मोरारजी देसाई में करा सर, कमठान मोरारजी। अपने विलेज का ही स्कूल है वो? हाँ सर। ओके, शाहीन में जब आप आए तो यहाँ पर का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? तो सर, पहले पहले तो मेरा मार्क्स 450 ऐसा आते थे सर। तो SC कैटेगरी से हूँ तो फील तो हो जाएगा ऐसा बोलकर था सर। पहले पहले तो कैसा भी लेकर खाली सीट हासिल करने का था सर। जब ऐसे ही पढ़ते गए सर, पढ़ते गए तो कंपटीशन का मालूम हुआ सर। शाइन में तो बहुत बच्चे रहते, तो कंपटीशन का तो मालूम हो गया। तो जब पढ़ाई में थोड़ा जोर डालकर पढ़ने से सर थोड़ा मार्क्स बढ़ने लगे सर, तो स्कोर भी ज़्यादा करने का उल्लासा बढ़े। जब यहाँ पर थे तो यहाँ पे प्रिपरेशन में आपके फ्रेंड्स कितने थे, उनका कैसा रोल था प्रिपरेशन में? वो लोग हेल्प करते थे या प्रॉब्लम करते थे? तो सर, हम थोड़ी बहुत पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत एक 10-15 मिनट बात कर लिया करते थे सर। हाँ सर, तो गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता था सर। अच्छा, मिनोरिटी हॉस्टल सर। ओके, तो जो आपके फ्रेंड्स का जो ग्रुप था, हाँ सर, इंडिविजुअल स्टडी करते थे या ग्रुप में पढ़ाई करते थे? तो सर, इंडिविजुअल पढ़ाई करते थे, कोई भी डाउट रहा तो एक से एक पूछ लेते थे सर। अच्छा, एक भी रूम। आपके प्रिपरेशन के बीच में लॉकडाउन भी आया? हाँ सर आया। लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट था आपकी पढ़ाई पे? तो सर, क्लासेस ऐसे ही सुनते गए सर, क्लासेस कंटिन्यू चल रहे थे, तो टेस्ट भी चल कंटिन्यू ले रहे थे सर, तो मार्क्स कम नहीं होना बोल के पढ़ते गए सर। अच्छा, तो लॉकडाउन भी अच्छे से यूज कर, लॉकडाउन में आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर। लेकिन शाहीन की ऑनलाइन क्लास? हाँ सर, ऑनलाइन क्लास। आप छोटे गांव से हैं प्लस नॉर्मल फार्मर फैमिली से हैं। हाँ, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप कुछ मिली थी? तो सर, 10th रिजल्ट के बेसिस पर 50% कंसेशन करे थे सर। ओके, यहाँ पर आपका मैनेजमेंट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली कदीर सर, मुकेश सर? तो सर, सब तो क्लास में वीकली आते थे सर, मोटिवेट करते थे, तो कैसे पढ़ना, तो एक्सपीरियंस जो भी यहाँ से पढ़ के गए उनसे भी हमें मोटिवेट कराते थे सर। हाँ सर। आपने जो तैयारी की उसमें सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? तो सर, स्टार्टिंग में तो मैं फिजिक्स समझता था सर, तो उसे मैं ज़्यादा, वही मुझे इजी था लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता था सर। ओके, फिर बाद में 12th आने के बाद मालूम हुआ सर, तो मार्क्स अच्छे आने लगे, 140-150 आने लगे, फिर उसमें भी मार्क्स बढ़ गए सर। किस तरह से आपने फिजिक्स को प्रिपेयर किया? तो सर, फिजिक्स को मैं क्लास सुनने के बाद उस टॉपिक का उसी दिन प्रैक्टिस कर लेता था सर। अच्छा। हाँ सर। बुक्स को ही आपने रेफर की उसमें? तो MTG चैंपियन रेफर करी थी सर। और उसके बाद केमिस्ट्री में कैसे किया आपने? तो केमिस्ट्री सर के नोट से सर, फिर ऑर्गेनिक NCERT पढ़ ली सर। लास्ट में, और बायो में कैसे किया आपने? बायो सर, नदीम सर के नोट्स ही फॉलो करे सर। आपके लास्ट में 583 मार्क्स आए। हाँ सर। और रैंक कितनी थी आपके? तो सर, रैंक 29,000 थी सर। 29,000 जनरल के थ्रू? हाँ। ओके, और SC कैटेगरी का? कैटेगरी 552। 552 रैंक। हाँ सर। यहाँ पर जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे थे,
डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर भी होता होगा कि स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर हुआ था सर। कैसे, क्या प्रेशर हुआ, कैसे आपने हैंडल किया? तो सर स्टार्टिंग में जब मैं आया तो छोटी सी स्कूल थे सर, छोटी स्कूल से था सर, तो सभी बच्चे बहुत ही टैलेंट थे, तो उनका जो जवाब देने का देखकर तो मैं बहुत घबरा गया था सर। तो कंपटीशन से बहुत पीछे हूँ मैं बोल के सर, तो बहुत मेहनत करा पड़ेगा बाद में लेवल। जब आप इस कंपटीशन को फेस कर रहे थे तो आपने आपको मोटिवेट आपने कैसे किया? तो सर फ्रेंड्स थे सर, फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई में लगे सर। ओके, एक दिन का अपना शेड्यूल बता सकते हैं, कितना देर किस सब्जेक्ट को टाइम देते थे? तो सर शाम स्कूल से आते ही बायो कर लेता था सर। ओके, स्कूल छूटने का 5 से 6 बजे तक बायो पढ़ लेता था। ठीक, फिर बाद में जब तो ऐसा डिस्टर्बेंस थोड़ा थोड़ा रहता है सर, जब फिजिक्स कर लेता था सर। ओके, और जब साइलेंट रहते थे तब केमिस्ट्री ऐसा पढ़ लेता था। ओके, एग्जाम की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? तो सर पहले बायो पेपर करे सर, फिर बाद में केमिस्ट्री, फिर बाद में फिजिक्स। ओके, और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देते? तो सर यहाँ शाहीन में तो बायो को 1 घंटे में हो जाता था सर, केमिस्ट्री 1 घंटा, फिजिक्स 1 घंटा। अच्छा। लेकिन एग्जाम में ऐसा हुआ सर, पेपर को देखकर बहुत हैरानी हुई। बायोलॉजी बहुत लेंथी पेपर था सर, तब तो 1.5 घंटे बायो में गया सर, फिर बहुत प्रेशर हुआ सर, तो डरने लगा पेपर होता कि नहीं होता। फिर बाद में 40 मिनट में केमिस्ट्री कर ली सर, फिर बाकी के टाइम में फिजिक्स हुआ। ओके, अब आपका जो रिजल्ट है, आपने विलेज से पहले आप डॉक्टर बनने वाले हैं? हाँ सर, पहले। कैसा रिएक्शन रहा आपके पेरेंट्स का? तो सर गांव में सब तो बहुत खुशी थे सर, तो फैमिली में भी बहुत खुश हुए सर, पहले डॉक्टर है बोलकर, सेलिब्रेशन भी बहुत कर। अच्छा, और आपका कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आगे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं अगले साल? तो सर मैं यही मैसेज देने का आशा करता हूँ कि सबको पहले से ही पढ़ना चाहिए सर, उस दिन का टॉपिक उसी दिन को कवर कर लेना चाहिए सर। और अब आपका आगे जाके क्या टारगेट है? सुपर स्पेशलिटी करना है, क्लिनिक खोलना है, या अभी सोचा नहीं? देखेंगे वो सब, देखा अभी वो सब देखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आकाश से। आकाश के 583 मार्क्स हैं इस साल के नीट में, और आकाश के अराउंड 29,000 रैंक आई है। ये छोटे गांव से हैं, इनके पापा फार्मर हैं, ये अपने गांव से पहले डॉक्टर बनने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस।